चतुर्मास पर्व, शरद पूर्णिमा और महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पर सोनिया विहार इलाके में यमुना तट पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में उत्तर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी विधायक अजय महावर के अलावा सोनिया विहार की निगम पार्षद सुषमा मिश्रा, स्थानीय बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर मनोज तिवारी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि के जीवन का हर पल सही मार्ग पर आने की प्रेरणा देता है। यदि हम अपने जीवन को बदलने की ठान ले तो फिर हमें अपने जीवन को सफल बनाने से कोई बुराई नहीं रोक सकती। हर वर्ष महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती को उत्साह से बनाकर हम एक नई ऊर्जा तथा प्रेरणा धारण करते हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का हर एक अध्याय हमें आदर्श जीवन की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर अजय महावर ने भी महर्षि वाल्मीकि पर दिवस की बधाई दी। आदि कवि वाल्मीकि जी, जिनको हम भगवान का एक अंश मानते हैं, उनके प्रकट उत्सव पर यहाँ धर्म जागरण सोनिया विहार द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया महायज्ञ का, और यमुना जी के पावन तट पर, यमुना मैया के आंचल पर, इसका अलग ही इसकी एक महिमा है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। यज्ञ के प्रमुख आचार्य ने कहा कि चतुर्मास पर्व, शरद पूर्णिमा और महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पर जन कल्याण के लिए सोनिया विहार इलाके में यमुना तट पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। मैं इस यज्ञ का प्रमुख आचार्य, जो मेरे सानिध्य में ये यज्ञ का शुभारंभ और समापन भी होगा। चतुर्मास का अंतिम, अभी हमारे बीच में उपस्थित बोले बोले आदरणीय चतुर्मास का श्रीमान राम सिंह जी, माँ पति पावनी यमुना नदी के तट पर 10 साल प्रचार कर रहे हैं, शरद पूर्णिमा की जयंती पर देश जन कल्याण हेतु और वर्तमान में आप लक्ष्मी नारायण का स्वामी नारायण का आयोजन किया गया है। हम आपसे निवेदन करेंगे जन कल्याण कि आप शरद पूर्णिमा एवं वाल्मीकि जयंती लक्ष्मी उपलक्ष्य में दो शब्द विष्णु जी से, विचार अग्निदेव से और पंच छोटे भाइयों का, हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि इस यज्ञ में सभी भाइयों से निवेदन है, सभी जन सभी भाई बैठ जाए प्लीज। इस यज्ञ का ये फोटो सेशन बहुत देर से हो चल रहा है भाई, पूरा नाम क्या लिखा है आचार्य रोज आ जाना कि इस त्रिपाठी, जितने भी भाई फोटो खींच रहे हैं दूर दूर खड़े हो गए। इस यज्ञ के आयोजकों ने भी महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस की बधाई दी। महर्षि भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस है, जो हमारे आदि कवि है, जिन्होंने कविता के रूप में श्री रामचरित मानस जैसा पवित्र ग्रंथ पूरे विश्व को, पूरी मानवता को वैचारिक उत्थान के लिए निमित्त प्रदान किया था। महर्षि भगवान वाल्मीकि के चरणों में हम कोटि से वंदन करते हैं। पूरे जगत को कहना चाहते हैं कि महर्षि भगवान वाल्मीकि ने जिस विद्वत्ता के साथ, समर्पण के साथ समग्र समाज को एक किया था, उनके चरणों का आश्रय लेकर के समग्र हिंदू समाज को एक करने का प्रयास करें। देखिए, एक तो आज ऐसा शुभ दिन है, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती और शरद पूर्णिमा, ऐसा संयोग बना, इसी में हमने ये चतुर्मास महायज्ञ का आयोजन किया। इसमें हमने सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, सभी लोग आएँ और क्षेत्रवाद, जातिवाद और इन सब में ना बटें।